श्री राम को मिली राजगद्दी, इंदुपुर में राज्याभिषेक संत रामलीला का हुआ समापन। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के गौरी बाजार इंदुपुर के रामलीला मैदान में रामलीला का राज्याभिषेक और पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के पात्रों की आरती उतारी। शनिवार पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। मेला समिति के अध्यक्ष भानु प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रभु श्री राम के जीवन के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रामलीला का मंचन आवश्यक है। उन्होंने कलाकारों की अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि हमें प्रभु श्री राम और उनके परिवार से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में सदाचार अपनाना चाहिए ताकि भारत एक विश्व गुरु बन सके। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा की। इस दौरान ध्रुव नारायण सिंह, जयशंकर सिंह, दिनेश प्रजापति, राजू सिंह, संजोग सिंह, शैल सिंह, गणेश सिंह एवं जागरण ग्रुप के सदस्य मनोज मधुर, धीरेंद्र धीरू, सुनील जायसवाल, दिवाकर, सिद्धार्थ, धनंजय, मुन्ना, आयुष आदि लोग मौजूद रहे। रवि प्रकाश, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 देवरिया। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देखा प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि सिंदूर की एक पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। मलिनिया के द्वारे माई जाके कह तरीका कह तरीके से कह तरी सुन जाए कि सुहता लारू की जागल हो मलिनिया। अरे मालिन, ए मालिन पानिया की तू होती है रुदमान। मालिन पानिया की तू होती है रुदमान। मालिन पानिया की तू। सुनील भैया है जो जयसवाल जी हैं, चाउमीन की दुकान, चाट की दुकान ये लगाते हैं पार्ट टाइम। बेसिकली ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, एक्टर भी। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो। तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन भजन बलि को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तन मन धन से इनके पूरे जितने भी मेंबर लोग हैं, सबने अपने आप को ठीक ठाक से मेला को आगे समापन की तरफ ले जा रहे हैं। धन्यवाद देना जाएंगे। आइए, इसी दौर में आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी को समाप्त करते हुए मैं भजन गायक पूर्वांचल के बड़े ही प्रसिद्ध भजन गायक मणि भैया मनोज मधुर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि समय के देखते हुए हमें आदेश हुआ।
है कार्यक्रम हुआ यहाँ पे? कार्यक्रम यहाँ पे 13 दिनों का रामलीला चलता है। हमारी जी महाराज आते हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग रामलीला कराते हैं। तो राम के वनवास से लेकर राम के राजगद्दी, राम को राजगद्दी यहाँ पे दिया जाता है। कल बवानी जी महाराज यहाँ से ले जाएंगे, 13 दिन हम लोग यहाँ रहते हैं। यह लीला उनके होता है, हम लोग इसके संयोजन है, हम लोग लीला कराते हैं। कितने सालों से चल रहा है? पता नहीं है, लेकिन बड़े बुजुर्गों कहते हैं कि 140 साल से ऊपर। लेकिन अंग्रेजी जमाने में 1922 में आंदोलन के समय ही यह मेला बंद नहीं था। यह मेला औरत चलता रहता है। कब तक रहेगा यह मेला यहाँ पे? यह मेला दुकानें तो 4-5 दिन तक रहेंगे। ऐसा है कि आज बाबा कल चले जाएंगे, आज रखी राजगद्दी का कार्यक्रम हो गया तो बाबा कल चले जाएंगे, दुकानें रहेंगी, भीड़ रहती है। या 25 दिनों का या लगभग मेला है, 13 दिन बाबा रहते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा, कौन सा जगह है? भानु प्रकाश का मेला अध्यक्ष है, या उनका गुरु नारायण जी कोनू या सचिव है मेले, या हमारे कमेटी के सदस्य बड़े भैया जय संपत्ति पेशे से आचार्य हैं। कौन सा जगह है? यह रामलीला मैदान है, हिंदू का रामलीला मैदान है। हम लोग रोजों की ही जमीन है, हम लोगों की जमीन है। यहाँ आयोजन बहुत पहले से ही यहीं पे हो रहा है, हम लोग जमीन दिए हैं, आयोजन करवाए हैं।